आज हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर त्यागने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे दो यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्यात्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती है, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में यह उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटों के लिए ही ले जाते हैं, और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तर कार्यों तक वह वहीं रहता है। 13 दिन बाद वह फिर यमलोक की यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है, और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए है। धन्यवाद हमारी वीडियो को देखने के लिए। कृपया लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है।